Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ़ैमिली कैसे हैं आप सब मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक हैं है? आपकी लाइफ अच्छी जा रही है तो वेलकम है आपका ऑनर्स लाइफ इन स्वीडन में आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को लेके कर चलूँगी दो जगह पे एक हम लोग किसी के घर दावत पे गए थे और एक जामशियाट बच्चों को लेके गए थे उसका एक एक्सपीरियंस जो हमारा रहा वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं मैश्ता मैश्ता हमारे घर से काफ़ी दूर है वहाँ हमारे फ्रेंड रहते हैं उन्होंने हमें बुलाया था अपनी तरफ तो उनके घर हम लोग जा रहे थे तो उस दिन वेदर बहुत अच्छा था आजकल भी वेदर स्वीडन का बहुत अच्छा है यहाँ स्टॉकहम में कभी बारिश हो जाती है कभी धूप निकल आती है तो काफ़ी अच्छा समर जा रहा है यहाँ पे हमारा अल्लाह का शुक्र है तो अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता वहाँ जा कर मैं आपको दिखाती हूँ सा फ़ूड और माश्ता में इन मॉल वालों ने अपना एक कैफ़े भी खोला है पहले इनका नाश्ता है यहाँ स्पोंगा में लेकिन अब इन्होंने कैफ़े ओपन किया है वो नाश्ता में क्योंकि नाश्ता जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तानी रहते हैं और वो ऑल लैंड एयरपोर्ट के पास है तो इसलिए उन्होंने उस उ, उस साइड पे खोला है तो उससे हम लोगों ने उनके लिए मिठाई ली थी और उनकी कोई न्यू उन्होंने कैफ़े खोला है तो वहाँ पे जैसे पेस्ट्रीज़ हैं वो थी उसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो हम ले कर आए थे चेक करने के लिए कि कैसी हैं वैसे माश्ता हमारे घर से तो बहुत दूर है लेकिन हमने कहा चेक करते हैं क्योंकि हम लोग उस साइड पे जा रहे थे तो मैंने कहा चेक करते हैं कैसा होता है उनका वो कैफ़े में कैसा है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक्सपीरियंस और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ये देखें कितने प्यारे ये सरसों के हैं पता नहीं बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे और यहाँ पे सैंतरम से थोड़ा आगे जाके था कम्यून का कोई ऑफिस टाइप था उसके पास इन्होंने बनाया हुआ था कैफ़े तो वहाँ से हमने ली चीज़ें वो मैं आपको घर जा कर दिखाऊँगी और अब हम लोग पहुँचने लगे हैं उनके घर हमारे फ्रेंड उन्होंने बहुत यमी सी दावत अरेंज की हुई थी ये देखिए यमी सा चिकन है और कोफ्ते हैं मटन है राइस हैं और ये चिकन टिक्का है सब कुछ माशाल्लाह बहुत यमी था बच्चों ने भी इतने शौक़ से खाया नाया का तो वैसे भी रोटी के साथ बोटी बहुत अच्छी लगती है और नान इन्होंने वो तंदूर जो यहाँ से मिलता है ना उसमें बनाए थे बहुत ही ज़बरदस्त नान थे और ये वो देसी यहाँ पे शॉप से मिल जाता है और ये खीर थी तो हमने खूब इंजॉय की अपनी पार्टी उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर गार, और घर आके मैं आपको दिखाती हूँ चीज़ें और यहाँ नाश्ता का जो एरिया है काफ़ी खुला खुला सा है तो काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे लॉन्ग ड्राइव एक हो जाती है हमारे घर से तो तकरीबन फिफ्टी मिनट्स लगते हैं वहाँ जाने में तो इधर एरोप्लेन भी जा रहा है क्योंकि पास एयरपोर्ट है तो बच्चे भी इतने एक्साइटेड हो जाते हैं इसको देख के तब मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ पेस्ट्रीज देखें, ये देखेंगे बहुत ही अमी थी सारी इतनी सॉफ्ट और जैसे यहाँ का जो जो केक वगैरह मिलते हैं ना यहाँ स्वीडन के जो है जैसे प्रिंसेस टॉटा है या जो उसमें जो है ना क्रीम ज़्यादा होती है ये लो क्रीम ज़्यादा और केक वो कम होता है लेकिन इसमें बहुत ज़बरदस्त था ये वाला पता नहीं वो था कैरेमल वाला था बहुत ही मज़े के थे आप लोग अगर माश्ता रहते हैं तो ज़रूर इनके कैफ़े में जा कर ये ट्राई करें तो हम ये तीन ले कर आए थे तो सारे सब का टेस्ट बहुत अच्छा था मिठाई ज़रा भी नहीं अच्छी थी फ्रेश नहीं थी मिठाई मुझे लगी जो हमने थोड़ी सी ली थी लेकिन ये जो केक है ये बहुत अच्छे थे तो फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे थे और उनके घर भी हम लेके गए थे और यहाँ पे फिर अब नेक्स्ट हमारा डे आ गया है इसमें हम लोग जा रहे हैं जम्प यार्ड जम्प यार्ड जो है वो ऐसे बच्चे जो हैं उसमें जंप करते हैं और वहाँ पे आप आर के हिसाब से बुक कर सकते हैं तो हमने वन आर का बुक किया था क्योंकि वन आवर से ज़्यादा बच्चे वहाँ इन्जॉय नहीं करते क्योंकि वहाँ जंप ही करना होता है या हर्डल्स होती हैं उसको आपने क्रॉस करना होता है तो इसलिए बच्चे बहुत टायर्ड हो जाते हैं बल्कि इस वन आवर में भी ये तीन चार बार बाहर आ गए थे हमारे पास कि हम अब बस करें हम बस करें तो यहाँ हम जंप यार्ड पहुँच गए हैं ये बारकरवी वाले जंप यार्ड हम गए थे इनका एक नाका में भी है कुंस करवा में भी है तो ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए जैसे अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है इनका बल्कि समर कोर्सेज भी आते हैं वानिया ने इनका लिया था टू मंथ का कोर्स तो एवरी संडे ये जाती होती थी, थी इनके कोर्स में तो वहाँ आपको डिफरेंट चीज़ें ये सिखाते हैं तो यहाँ अब हम लग बाकी लोगों का वेट कर रहे हैं दो तीन फैमिलीज़ ने और आना था और उस दिन संडे था तो काफ़ी यहाँ पे बर्थडेज़ भी हो रही थी आप यहाँ पे बच्चों की बर्थडेज़ भी अरेंज कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा जग, अच्छी जगह है लेकिन बस वन के लिए फिर उसके बाद हमने यहाँ फूड खाया था अब मैं आपको जंप यार्ड का वो दिखाती हूँ अंदर से दिखाती हूँ जब बच्चे वहाँ पे जंप करते हैं और इनकी एक स्पेशल सॉक्स होती हैं वो भी आपको लेनी पड़ती हैं क्योंकि ग्रिप चाहिए होती है वहाँ जंप करने के लिए और फोर ईयर से लेके कर तो आगे जो टीन एज तक बच्चे इसमें या से बड़े भी जंप कर सकते हैं जहाँ राफे ने नहीं, नहीं किया था क्योंकि वो भी तीन साल का है तो उसको नहीं अलाउ था तो वो बेचारा बैठ के देख रहा था लेकिन इतना अच्छा है उसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया और ये वाली सॉक्स इनकी मिलती हैं ये भी आपको लेनी पड़ती हैं तो ये सारे बच्चे आप पहन रहे हैं इनके पास सारे साइज़ेस होते हैं और अब हम लोग चलते हैं अंदर मैं आपको जम्प दिखाती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ ब्रेक के बाद पकड़ के रखो ना, ना, ना चलो आ रही तो यहाँ पे बच्चे जम करके अब हमारा वन आर कंप्लीट हो गया था फिर हमने इनको ले दी थी आइसक्रीम और जो इन्होंने लेना था और ये पिज़्ज़ा है ये वीडियो बन रही है वेलकम टू इन No. My YouTube viewers. <laughs> वारे वारे वारे। जी हमने पिज़्ज़ा लिया था ये सिर्फ इसके ऊपर चीज़ है और पिज़्ज़ा सॉस है इस पर कोई चिकन नहीं है क्योंकि चिकन इनका हलाल नहीं था और बच्चों ने वेजिटेबल नहीं खाना था तो इसलिए फिर हमने ये पिज़्ज़ा ले लिया था ये आप ले सकते हैं वहाँ पे ये अच्छी ऑप्शन है और हमने काफ़ी इन्जॉय किया बच्चों ने भी एक घंटा काफ़ी होता है तो आप लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं और उसके बाद फिर वानिया लोगों के स्कूल में ए, ए, स्कूल ऑफ स्लूत यहाँ पर ग्रेजुएशन पार्टी थी तो सब पेरेंट्स को उन्होंने कहा था बुलाया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप कुछ बना के ले आएँ यानी सब खा सकें। फिर इकट्ठे चाय जूस वगैरह स्कूल वालों ने अरेंज किया था तो फिर मैंने ये टी केक बना लिया था सबको बहुत पसंद आया था ये हमारे घर में तो बहुत फेवरेट है तो फिर मैं बनाती रहती हूँ और आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे भी ले सकते है नफे बताओ बताओ केक यमी यश केक यमी है अब हम वानिया के स्कूल चलते हैं और वहाँ पे जाके यमी यमी केक खाएंगे है ना जी तो केक हमने रेडी कर लिया है और उसके बाद फिर हम हमानिया के स्कूल गए थे ये सब पेरेंट्स बना के लाए थे कोई चिप्स ले आया था फ्रूट ले आया था किसी ने ये क्लाथ का, का यहाँ पे मशहूर है काफ़ी वो लेके आए थे तो सब ने मिल के ऐसे इंजॉय कर लिया था और बच्चों के उन्होंने वो हमें दिखाई थी मेमरीज उनकी पिक्चर्स इतने ईयर की तो सारे इतने हैप्पी हो रहे थे कि हम इतने छोटे छोटे थे उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब इनके स्कूल हॉलीडेज़ हो जानी थी तो फिर मैंने इनके लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी वानिया नाया के लिए इस तरह ग्रेजुएशन पार्टी छोटी सी और फिर वो दोनों बहुत हैप्पी हो गई थी स्कूल से आके तो वो मैं आप लोगों को थोड़ी दिखाती हूँ तो ये मेरा आज का ब्लॉग था आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर आप लोगों ने जम्प याड जाना है तो कैसा लगा आपको वहाँ जा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ एक यमी सी रेसिपी शेयर करूँगी जो आप बकरा ईद पर तो ज़रूर ट्राई करना बहुत ही मज़े की वो बनती है तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये मैंने इनके लिए कार्ड बना लिए थे और पिज़्ज़ा बनाया था फ्रूट सेलड इनको अच्छा लगता है वो बना लिया था डोनट हैं और चिप्स है

तुमागे। तुमागे। will... अब यहाँ पे बच्चे अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं और नाया को चॉकलेट्स मिल गई थी तो वो काफ़ी हैप्पी हो गई थी और उसके बाद इनको स्कूल से वो मिले थे डिप्लोमा मिला था जो उन्होंने कराया स्कूल में और ये एक बुक मिली थी कि आपके एरिया में जो कोई एक्टिविटीज़ हैं वो आप यहाँ से देख सकें तो फिर आप बच्चों को वहाँ ले जा सकते हैं और ये नाया को मिला था सारा कुछ तो साथ ये लॉलीपॉप उन्होंने दिया था और आज उनको उन्होंने बारबेक्यू भी किया था स्कूल में और ये वाली बुक मिली थी सोमर लॉब इस पर लिखा है और ये इसमें सारे जो प्रोग्राम आपके एरिया के पास हो रहे हैं उसमें आप वहाँ पे बच्चों को लेके जा सकते हैं तो ये मेरा आज का भी लोग था, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरे और राफ़ी की तरफ से अल्लाह हाफिज राफी अल्लाह हाफिज़ कर दो राफ़ी एंड मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें Thank you for watching.